अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राजा सरोज सोहेब और आज हम मौजूद हैं अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे जो नया लोगो है इस हॉस्पिटल का उसको लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स, जो डीन है, प्रिंसिपल और चेयरमैन, वो भी मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम इवेंट कवर करके दिखाएँ, आपको तमाम जो स्पीचेज़ हैं उनकी तरफ से वो भी कवर करके दिखाएँ और साथ कॉमेंट्स लें यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं अपकमिंग पेशेंट्स के लिए, उन्हें बता सकेंगे कौन सी नई फैसिलिटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी विद द लॉन्च ऑफ दिस न्यू लोगो। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मेरे साथ इस वक्त डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर अरीज नियाजी साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं और मैंने आपको आज सुबह से देख रहा हूँ मैम कि आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं, आपने तमाम जो लॉन्च है आपके नए लोगों का उसको ऑर्गेनाइज़ करने में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस सारी मेहनत के बाद जब ये सक्सेसफुल इवेंट पूरा हो गया है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई फील ग्रेट, आई एम सो हैप्पी दैट इट वाज सक्सेसफुल एंड दैट इट एक्चुअली what I wanted to achieve I actually achieved. There's excitement, people are noticing a change and hopefully this will be a new beginning and a new change for the hospital. What do you want to tell the people right now who are watching this on Facebook and are going to watch this through our channel? वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नए लॉन्च के बाद, व्हेन दे गोइंग टू कम टू द हॉस्पिटल, क्या चेंजेस और क्या नई फैसिलिटीज आप उन्हें प्रोवाइड करें? वेल, वी हैव अ वेरी लॉन्ग विजन, वी वांट टू गिव पेशेंट्स स्पेशलिटीज एंड फैसिलिटीज दैट आर नॉट available anywhere else. But as always in the past 2 years, it's going to continue patient first. We're going to give them good quality care, we're going to give them the best services, from our guard to our doctor to our director hospital, our chairman, everybody will greet them with a smile and will listen to them. I think that's the most important thing, kyunki jab bhi koi patient hospital aata hai sabse pehli cheez wo yehi dekh raha hota hai that they need to be taken care really well. And I think the fact that you're saying that right now is really good. Ma'am, iske alawa bahut sare log afford nahi kar pate health care ko, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा मसला है, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो जब आएंगे आपके हॉस्पिटल में किस तरीके से वो फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं? Well, we have minimum charges. If you compare us to anywhere in Pakistan even, we charge the minimum. We just want that our patients should get the quality care. Finances come later for us. Even a lot, there's a misconception that PIMS is cheaper, but that's not true. Ours is a better quality at almost the same rate. All right, thank you so much for talking to us ma'am and congratulations on this wonderful launch. Thank you so much. Thanks a lot. इस वक्त मैं मौजूद हूँ यासिर नियाजी साहब के साथ जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल के, और आज इस नए लॉन्च पे ऑफ दिस लोगो व्हिच हैज़ बीन डन बाय द हॉस्पिटल। सर, आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस एंड देन ये जो आपने नया लोगो लॉन्च किया, ऑब्वियसली इसका मकसद ये है कि आने वाले सालों के अंदर यू कैन गिव अ न्यू लाइफ टू द हॉस्पिटल एज वेल, तो आपकी क्या प्लान्स है, किस तरीके से आप उनको पूरा करना चाह रहे हैं एंड व्हाट एवर यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स राइट नाउ? जी, इस लोगो के चेंज का ये था कि एक रिफ्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल द फाउंडेशंस एंड द एलिमेंट्स, द पेटल्स व्हिच मेक्स दिस अ ब्यूटीफुल वन। अनदर थिंग इज नाउ वी आर रेडी फॉर इट टू ब्लूम एंड टू बी टर्न इनटू अ फुल, एज द स्प्रिंग कम्स दिस हैज टू ब्लूम। और उससे यह है कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह वी आर जनरल सर्विसेज हमारी हैं, लेकिन वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन पाकिस्तान, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ऑफ अफोर्डेबिलिटी। सो नॉट ओनली दैट वी विल डिलीवर स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी हेल्थ केयर, बट एट द सेम टाइम वी विल डिलीवर अफोर्डेबल हेल्थ केयर ऑल्सो। और ये ANTH अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल का मोटो है, मिशन है, और इसके ऊपर हम काम करते हैं। सर, ऑल दीज थिंग्स और फैसिलिटीज़ जिनको आप मैंशन कर रहे हैं, ये किस तरीके से आपके हॉस्पिटल को डिस्टिंक्ट करती है फ्राम अदर हॉस्पिटल इन द सिटी एज वेल? दो चीज़ों के साथ, एक तो ये है एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन से, और एक वो है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है अफोर्डेबल हेल्थ केयर का। ना सिर्फ सर्विस देनी है, क्वालिटी की सर्विस देनी है, इंटरनेशनल क्वालिटी, तो वर्ल्ड वाइड दे आर कंपेरेबल टू एनीबॉडी, लेकिन साथ ही कि इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू ऑल। तो हमारी अपनी तरफ से हत्तल इम्कान कोशिश ये है कि हम उसके जितनी भी कॉस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए कि हम एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर यहाँ पर लोगों को दें, उनको एक रिस्पेक्ट के साथ वो ये सर्विसेज अवेल कर सकें। सर, फाइनली टू द व्यूअर्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, इस नए लॉन्च के साथ आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं जब वो इस हॉस्पिटल के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे आके इलाज करने के बारे में सोचेंगे, तो वो किस सोच के साथ आ सकते हैं और उनकी किस तरीके से यहाँ पर मदद की जाएगी? ANTH इज पेशेंट फर्स्ट फिलोसफी, दे विल बी प्रोवाइडेड वट एवर केयर दे नीड स्टैंडर्डाइज क्वालिटी वे, एंड सेकेंडली इन द सेम वे इट विल बी एन अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इट्स नॉट गोना कॉस्ट। हम ये सारी सर्विसेज जो हैं अभी भी हमारी जो कंसल्टेंसी है
वो अनबिलीवेबल। हम बड़े अपनी प्राइड से के साथ कह सकते हैं कि कई रेट्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कम हैं कई चीज़ों के, एंड वी विल डिफाइन आवर सक्सेस वन पेशेंट एट अ टाइम, नॉट एज ए होल। Wonderful. And on that note, thank you so much, sir, for talking to us. And good luck with this new journey. Pleasure is all mine. Thank you very much. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शोएब हुसैन शाह साहब, जो कि डीन हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे आज इस नए दिन पे, जो कि सर आपने एक लोगो लॉन्च किया है फॉर द हॉस्पिटल, और इसके साथ ही आई बिलीव कि आपकी एक नई जर्नी भी स्टार्ट हो रही है। तो व्हाट डू यू वांट टू टेल द व्यूअर्स राइट नाउ, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि इस लोगो के साथ व्हाट इज़ दैट पाथ जो आप फॉलो करने वाले हैं ताकि आप सक्सेस हासिल कर सकें? अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल बेसिकली इज़ ए मिशन। तो इस मिशन को जब हमने शुरू किया तो उस वक़्त तो हमारा प्लान ये था और प्रोग्राम ये था कि हम हेल्थ केयर डिलीवरी को कितना इफ़ेक्टिव बना सकेंगे इस खित्ता के लिए। अभी आप ये देखिए कि इसकी जो लोकेशन है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ये तमाम गलियात जो ऊपर से हैं और इंक्लूडिंग कश्मीर और इन सारे एरियाज़ को जो पॉपुलेशन है उनको ये ड्रेन करता है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है, इस टीम की कोशिश ये है कि हम यहाँ दुखी इंसानियत के लिए और हेल्थ केयर के लिए जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें हम करें, और एक ऐसा मिशन हम आगे लेके चलें कि आने वाली नस्लें इससे फैज़याब हों। ये जो एलिमेंट आपने बताया है, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपकी लोकेशन जो है वो बहुत ही सेंट्रल है इस हिसाब से, क्योंकि कश्मीर, मरी और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम है वो यहाँ के इलाज करा सकती है, उस लिहाज से आप किस तरह कंपेयर करेंगे इस हॉस्पिटल को टू अदर हॉस्पिटल्स जो कि मौजूद हैं सिटी के अंदर, ट्विन सिटीज़ के अंदर? क्या चीज़ें डिस्टिंक्टिव हैं इस हॉस्पिटल के बारे में? एज दिस हैज़ बीन बिल्ट नाउ एंड इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स इन द सिटी, दे आर सो रशी। If you go to those places, they are not treated in a way where a human being has to be treated properly, and we here not treat diseases, you know, this is our slogan, we treat the human beings over here. Wonderful, I think that's a beautiful logo. And sir, finally to the viewers jo aapko is waqt dekh rahe hain, unko aap kya message dena chahenge if they choose this hospital to come over here aur apna ilaaj karana chahe, aap unhe kya batayenge, kaise unhe treat kiya jayega? मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक दफ़ा इस हॉस्पिटल में आएं और हमारी सर्विसेज को देखें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने और लोगों को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी, अपने इर्द गिर्द में, उसके बाद एक दफ़ा आने के बाद सबको ये कहेंगे कि आप अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में जाएँ और अच्छा इलाज करवाएँ। That's a confidence which speaks for itself. Thank you so much for talking to us, sir. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद हसन साहब, जो कि प्रिंसिपल है IMDC के, एंड सर आज लॉन्च हुआ है आपके नए लोगों का और इसी के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके हॉस्पिटल के लिए भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इस नई जर्नी के अंदर, और साथ ही साथ जो व्यूवर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि अब जब वो हॉस्पिटल आएँगे इतनी सक्सेस के बाद उनको मज़ीद किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो आपकी तरफ से प्रोवाइड की जा सकती हैं? जो इस हॉस्पिटल की यूनिक चीज़ है बाकी अस्पतालों के को कंपेयर करते हुए, वो यहाँ पेशेंट के साथ डीलिंग है। जैसे आपने सुना पेशेंट फर्स्ट हमारा स्लोगन भी है, मिशन भी है। आगे की तरफ जो जर्नी हमारा है उसमें हमारी ज़्यादा जो फोकस है वो नई स्पेशलिटीज़ इंट्रोड्यूस करने में है। आपको इलम होगा यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बना है बच्चों के लिए, इसको एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ एक प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट शुरू हो गया है विच इज़ वेरी यूनिक, बहुत कैपेबल सर्जन्स हैं, और ये इंशाल्लाह मैं जो फोर्सी करता हूँ आने वाले वक्तों में प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा। उसके अलावा यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी सारी चीज़ों में एक्सेल करते हैं। यहाँ की लेबोरेटरीज जो हैं बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, और मैं ये फोर्सी करता हूँ कि ये आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत जल्द लीडिंग हॉस्पिटल होगा इस्लामाबाद रावलपिंडी का, बल्कि उससे भी थोड़ा सा आगे जाइए तो मुल्क का
एक यूनिक हॉस्पिटल होगा। एंड आई डू वांट टू आस्क यू, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी हैं IMDC के, आपके अंडर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट्स जो हैं और डेंटल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए आप किस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जब वो यहाँ की ट्रेनिंग लेंगे और फिर मरीजों को फील्ड के अंदर जाके सर्व करेंगे, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? उनके लिए ऑलरेडी बहुत सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, सारे डिपार्टमेंट्स इन प्लेस हैं, इंटैक्ट हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है और सारी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं PMDC के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, HEC के मुताबिक हैं। वी आर हेडिंग टू यूनिवर्सिटी और उसमें इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। हाउस जॉब यहाँ शुरू हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन शुरू हो गई है, FCPS के लिए रिकग्नाइज हो रहा है कॉलेज, तो इंशाल्लाह आई फोरसी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग डॉक्टर्स अलाइक इंशाल्लाह। वंडरफुल, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। वी आर टॉकिंग टू यू। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुश्तबा अब्बासी जो कि डायरेक्टर हॉस्पिटल हैं और हम उनसे बात करेंगे आज के दिन के ऊपर, क्योंकि लोगो लॉन्च किया गया है अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल का। तो सर सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट ये जो आपने आज पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आपने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, इसके बारे में आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअल आज जो हमारा था ये हमारी जर्नी का सेकेंड फेज शुरू हुआ है। फर्स्ट फेज हमारा था, आज हमने तक 1,35,000 के करीब सर्जरीज हमने कंप्लीट की हैं, हमारे पेशेंट देखे हैं हमने और आज नए एक एम और लोगों के साथ हम सेकंड फेज़ को लॉन्च कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। मैं आपकी स्पीच भी सुन रहा था, उसके अंदर आपने बताया है कि किस तरीके से आपके जो फ्यूचर इंडेवर्स हैं उसके अंदर आप चाहते हैं कि मज़ीद सक्सेस हॉस्पिटल को हासिल हो, तो ये जो लोगो लॉन्च करना है आई गेस इज सिम्बॉलिक है टूवर्ड्स दैट सक्सेस जो आप हासिल करना चाहते हैं आने वाले सालों के। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के अलावा ट्रांसप्लांट की तरफ हम जा रहे हैं। एट प्रेजेंट वो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इंशाल्लाह ताला लिवर ट्रांसप्लांट का हम इन प्रोसेस में है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च हम करने वाले हैं। गुड लक टू यू एंड होपफुली ये जो आपने नया लॉन्च किया है इज़ गोइंग टू बी अ न्यू लाइफ फॉर द हॉस्पिटल एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मैं चेयरमैन साहब के साथ मौजूद हूँ और आज वो इस इवेंट पे आए हैं, उन्होंने खुद ये देखा है लॉन्च और आप काफ़ी सालों से सर इसके साथ मुंसलिक भी रहे हैं, आपने इसको बिल्कुल इसके इनिशियल स्टेजेस से डेवलप होते हुए देखा है, आज माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल है ये हॉस्पिटल, आप जो व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे ये जो नया लोगो लॉन्च हुआ है इसके साथ वो क्या उम्मीदें से वाबस्ता कर सकते हैं आने वाले सालों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी हमारा मिशन जो है वो है कि एवरी पेशेंट विदाउट एनी कि वो गरीब है अमीर है अफोर्ड कर सकता है नहीं करता, ही शुड गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। यानी ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क ना हो कि एक प्राइवेट पेशेंट है गरीब पेशेंट है उसमें, और इसी मिशन को लेकर मैं आया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे हम चल रहे हैं और इस वक्त भी ये हमारा जो हॉस्पिटल है इट इज़ ए टोटली नॉन प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की यकीनन गुंजाइश है क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लेकिन बेसिकली जितनी इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं वो हमने जहाँ जमा कर ली हैं और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और मेन मकसद ये है पेशेंट इज़ द प्रायोरिटी नंबर वन। जो आपका बेसिक विजन है जिस तरह आपने बताया कि पेशेंट्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू, तो वो जब इस हॉस्पिटल में आएंगे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकती है? मैंने और मेरे बोर्ड साथ मेरा जो है इसमें क्लियरली कहा हुआ है डे और नाइट इमरजेंसी और रूटीन पेशेंट, नो पेशेंट शुड बी रिफ्यूज। अगर उसके पास ही कैन नॉट अफोर्ड इवन कुछ हमारे चार्जेस हैं पर्ची के चार्जेस हैं या कोई डायग्नोस्टिक में बेसिक चार्जेस हैं तो उसके अलावा नहीं कर सकता तो बट ही शुड नॉट ऑन दिस बेसिस शुड बी रिव्यूज और यही फॉलो हो सकता। हमें जो कामयाबी मिली है जो आपने सवाल किया है सही बात है कि जितने कम वक्त में हमें कामयाबी मिली है उसकी खुद हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब शिफा हॉस्पिटल की जो लोकेशन है शिफा इंटरनेशनल की और वहाँ जो क्लाइंटेज है बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं एम्बेसीज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कई उसमें वहाँ से भी लोग छोड़ के इधर इलाज करने आते हैं। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, यू आर अ लेजेंड इन योर फील्ड और आपके बारे में हमेशा से बहुत अच्छा सुना है और आज आपसे फाइनली बात करके बहुत खुशी हुई है। अल्लाह आपको इसी तरह से और सक्सेस दे आपके एंडेवर्स के अंदर एंड थैंक यू सो मच। बस जी जब इदारे बन जाते हैं ना तो उनको चलाने वाले अल्लाह खुद ही उसका बंदोबस्त करता रहता है। मैंने जैसे कहा था
कि ठीक है हम तो चले जाएंगे लेकिन इंशाल्लाह आगे संभालने वाले नौजवान नस्ल मौजूद है. We're very happy to be talking to you right now. Thank you so much for talking. अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल का आज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि नया लोगो लॉन्च किया गया है और आपने पूरा इवेंट जो है उसको विटनेस किया. ये जो फ्लावर है रिप्रेजेंट करता है मुख्तलिफ पेटल्स को और हर पेटल जो है वो एक नई फैसिलिटी के बारे में बता रहा है. तो इस उम्मीद के साथ कि जो आने वाला फ्यूचर है अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल के लिए वो ज़बरदस्त होगा और अपनी जो पिछली सक्सेस है उससे भी बेहतर साबित होगा. हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.